हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में स्टूडेंट फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 7.8.1 उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टू क्वांटिटीज़ हैं उनके रेशियो को हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दें, हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कंपेयर करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे तब जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए। इफ़ दे हैव डिफरेंट यूनिट देन कन्वर्ट इन द सेम यूनिट। किलोमीटर है तो दोनों ही किलोमीटर में होनी चाहिए, मीटर है तो दोनों मीटर में होनी चाहिए। अगर वन यूनिट जो है, वन आपकी जो क्वांटिटी है वो किलोमीटर में है एंड अदर इज़ मीटर, आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके उसी के बाद आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो रुपीज़ 50 to 50 पैसे। एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो ए पार्ट रुपीज 5 to 50 पैसे। 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे इनके बिटवीन जो रेशियो है हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट नाउ, अभी बिल्कुल थोड़ा कुछ मिनट्स पहले, कि अगर यूनिट अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर रुपीस है यहाँ पैसे हैं, तो हम इसको सेम रेशियो में लाएं, पहले सेम यूनिट में लाएं स्टूडेंट, उसी के बाद हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ हैं, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। देन 5 रुपीज़ हैं, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 100 रेशियो 50। या इसको आप और देखिए, सही मेथड है रुपीज़ 5 रेशियो 50 पैसे। रुपीज़ 5 देन 5 मल्टीप्लाई 100 कन्वर्ट इन पैसे रेशियो। देखिए यहाँ पर हम टू डॉट्स यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, इसी को हम रेशियो कहते हैं। अपॉन भी एक रेशियो ही है स्टूडेंट, यहाँ पर 50 पैसे देन 500 रेशियो 50। 10 से 10 को कैंसिल किया स्टूडेंट, 5 बन जा 5 0 एंड 5 बन जा 5 10 रेशियो 1। सो फाइनल रिजल्ट इज रेशियो रुपीज़ 5 to 50 पैसे इज 10 रेशियो 1। तो फाइनल आंसर इज 10 रेशियो 1। क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड यू, एनी डाउट? ओके सो डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द रेशियो 15 kg to 210 ग्राम। 15 kg बी पार्ट फिफ्टीन केजी टू टू हंड्रेड टेन ग्राम। सो 15 kg रेशियो 210 ग्राम। स्टूडेंट केजी को हम कन्वर्ट कर दें ग्राम में, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम,
थाउजेंड से हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई थाउजेंड डिवाइडेड 200, डिवाइडेड मीन्स रेशियो, सॉरी रेशियो 210। स्टूडेंट 10 से 10 को हम कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500 रेशियो 7। सो रेशियो फॉर 15 केजी एंड 210 ग्राम इज 500 रेशियो 7। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपने ये कंप्लीट डिस्कशन जो हुआ हमारा, आपको क्लियर हो चुका है कि हम रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग हमारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको आप ट्राई करेंगे खुद। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज सेकंड। स्टूडेंट यहाँ पर हमने कहा रेशियो, लेकिन एक वर्ड और है यहाँ पर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स इस तरीके से दो जो पेयर हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, टू रेशियोज़ अगर सेम होते हैं तब हम उनको कहते हैं इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में हैं। टू रेशियो अगर सेम हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। एज ए एग्जांपल स्टूडेंट, 1:2 प्रोपोर्शन के लिए देखिए, यहाँ पर टू पेयर डॉट का यहाँ पर एक पेयर है, दूसरा पेयर भी साथ में है, इसी को कहते हैं हम प्रोपोर्शन का साइन। और इसकी जगह पर आप इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, 5:10। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, 1:2 एंड 5:10, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं तब हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन में हैं। ओके, तो चेक करते हैं। देखिए 1:2 मीन्स 1/2 इक्वल टू 5/10। 5/10 को आप रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो यहाँ भी देखिए रेशियो कितना आया, 1/2, 1/2 एंड 1/2। सो द क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन, ये चारों क्वांटिटी जो हैं आपके, ये किस में हैं? प्रोपोर्शन में हैं। देखिए 1:2, 1:2। क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्टूडेंट। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 3 कंप्यूटर्स हैं, 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उन कंप्यूटर्स को। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट? 24 स्टूडेंट्स के लिए अगर इसी रेशियो में अगर हम बात करें तो कितने कंप्यूटर्स की नीडेड, मतलब कि हमें आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। सो लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इक्वल टू एक्स, यूज प्रोपोर्शन मेथड। कंप्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन, कंप्यूटर एंड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सो 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। सेम रेशियो, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट? तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स एक्स, हमने यहाँ पर क्या किया है, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू एक्स। देन 3/6
इक्वल टू एक्स अपॉन 24। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, देखिए 6x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 3, देन एक्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12, वी लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इक्वल टू x, सो द x वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12, सो नीडेड कंप्यूटर इज 12। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें आंसर मिला है कि 24 अगर स्टूडेंट्स होंगे देन नीडेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज 12, हमें 12 कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। ओके, ये रेशियो का जो साइन है, प्रोपोर्शन का जो साइन है स्टूडेंट, इसको हम इक्वल में भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, मींस प्रोपोर्शन मींस टू रेशियोज आर इक्वल सेम, देन इट्स कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इक्वल टू 12। क्लियर। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट स्टूडेंट कि आज हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर 8.1 में, कंपैरिजन करना, रेशियो फाइंड करना, इसके अलावा प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमने डिस्कस किया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।